पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त गांवों का दौरा। पटवारी सेक्रेटरी बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करने मांग रहे हैं 2-2 हजार। दिग्विजय सिंह ने कहा, बाढ़ प्रभावितों से मिलना बीजेपी को राजनीति लगती है तो हां कांग्रेस राजनीति कर रही है। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ के बाद सियासी दौरों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा पहुंचे। यहां पार्वती नदी में आए सैलाब और भारी बारिश से 2 दर्जन से अधिक गांव में हुई तबाही के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पीड़ितों का हाल जानने पोहरी बैराड पहुंचे। उन्होंने बैराड तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित कोपरेड़ा गांव का भ्रमण किया, बाढ़ प्रभावित घरों की स्थिति देखी और पीड़ितों से बात कर उन्हें ठांठस बंधाते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इससे पहले पोहरी रेस्ट हाउस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बताया कि बाढ़ ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया, खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं, घरों में पानी भरने से गृहस्थी का सामान डूब गया, कई लोगों के मकान टूट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन प्रशासन हमारी खैर खबर नहीं ले रहा है। पोहरी रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर मध्य प्रदेश की शिवराज और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बिल्कुल नष्ट हो गई, कोई फसल नहीं रही, किसी का मतलब आदिवासी कोई सारा नहीं है। और मेरा ये कुआ, मैं पड़ोसी का कुआ बिल्कुल ढेस गया, बाकी साल में 50,000 का मैं इंजन लाया, इंजन घुस में दब गया और आपको मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया। एक्सीडेंट से तब लोग कोई सुनवाई नहीं, जे डांगे असर आए थे, एक रुपया नहीं मिला। आवेदन आवेदन नहीं है, खा तो लगा दे, मैंने चेक करता है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। हमें सबको मिलकर रहना है, इसलिए इनकी बातों में मत आओ, ये आग लगा के और अलग हो जाते हैं। बुझाना अपन को पड़ती है, अब बुझाना भी पड़ते हैं और उसकी वजह से चुनाव भी हार जाते हैं। इसलिए डरो नहीं, ये पैसा देला तुम पे बांटते हैं, ये तुम लोगों से लूटा हुआ पैसा है। अभी जैसे पटवारी पंचायत सचिव ने कहा कि 2-2 हजार रुपया दो तो तुम्हें लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और मैं जब इनकी शिकायत करूंगा ना तो तुम बदल मत जाना। हाँ जाटव साहब, हाँ अगर तो आप नहीं बदले ना तो इनको जेल होगी जेल। मुझे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि सरकार की तरफ से 50 किलो अनाज और जिनका मकान ढह गया है, बर्तन वगैरह चले गए, तो उनको 11,000 रुपए उनके खाते में डल जाएंगे।